ये तू जा। मैं तो दया बन गई यार। यार बंदर मेरा चश्मा लेके दिया आशुष को, जल्दी दे। हेलो गुलीज, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। आई होप आप सभी प्यार से होंगे, अच्छे होंगे और खुश होंगे अपने घर में। और यार गला थोड़ा सा खराब है, पर आपने देखा होगा ये वाली छत को पहले भी पा रहे हो या नहीं। पर ये तो यार ऑब्वियस है कि मासी की छत है, क्योंकि मैं उन्हीं के घर पे आई हुई और पहले भी वीडियो बनाई थी यहाँ पे। यार इतनी पॉजिटिविटी, इतनी शांति, इतना मज़ा आ रहा है, इतनी बड़ी छत, इतना सुंदर लग रहा है ना यहाँ पे। वो मम्मी सुबह सुबह लेके आई मेरे पानी, गला ही ठीक नहीं हो रहा, पता नहीं रात को फिर पकड़ लिया गले ने। गरारे कर लेती हूँ। आशु अपने होटल में रुका हुआ है, और उसको बोला था यार यहाँ आने के लिए, बट वो कंफर्टेबल नहीं था, तो फिर मैंने भी ज़्यादा फोर्स नहीं किया। एंड होता है ना कहीं कि लड़कों को कंफर्टेबल नहीं फील होता, और हम सारी यहाँ लड़कियाँ है तो कुंवर भी, पर कुंवर भाई उससे मेरी फटती है तो सबकी फटती है उससे। तो अभी बस फटाफट से मैं नहाऊंगी, रेडी होंगी, और उसके बाद मैं आशु जा रुको वहाँ जाऊंगी, क्योंकि मुझे एक गेट रेडी विद मी करना है। मासी के घर में लाइटिंग नहीं है इसलिए मैं यहाँ नहीं कर सकती। यार यहाँ पे पता है मम्मी बहुत अमीर लोग भी रहते हैं, कहने की बात है, एकदम ऐसे वाला नहीं है कि गाय वैसे भी बिल्कुल ऐसे, तो बहुत बहुत अमीर। नहीं नहीं, कह रही मांगने भी नहीं जा सकती, मग्गा गिर गया था वहाँ पे। वो कहेंगी सॉरी आप इतने बड़े घर में मग्गा मांगने आई हो। सुन रहे हो? फटाफट से मैं नीचे जाती हूँ, क्योंकि कुंवर भगवान को रेडी करो। उसने मुझे बोला आज आप अपने ब्लॉग में मेरे भगवान को दिखाओगे। मैंने कहा कहता जल्दी आओ, ऊपर से फिर गरारे करके, तो गरारे कर लेती हूँ, उसके बाद नीचे जाऊँगी, आपको भगवान के दर्शन कराऊँगी जो कुंवर के भगवान है, और उसने एक भगवान खुद ही बनाए वो भी दिखाऊँगी, और उसके बाद फटाफट से नहा के आशु के पास जाऊँगी। हाँ मासी मैं जा रही हूँ, ठीक है। यस और मासी सारा हॉलीडे होमवर्क ये इससे करवा रहे हैं, लड़कियों लड़कियों का होता है जो चार्ट पार्ट बनाना। हाँ मोनू क्या करता था मेरे साथ, मोनू क्या करता था कि जैसे कुछ भी काम होता था ना उसका, उसको तो लिखने का भी काम होता था ना, कॉपी करने का भी ऐसे काम होता था। वो श्रृंगार कर रहा है आज, तो भगवान का श्रृंगार दिखाने के लिए। कुंवर ये वाले कौन से प्रभु हैं? ये धामेश्वर महाप्रभु हैं, यानी चैतन्य महाप्रभु हैं, ये राजा रानी हैं और ये श्याम सुंदर हैं। ये देखो ये रहे हमारे। कुंवर की स्कूटी से आई, उससे भीख मांग के कि अपनी स्कूटी दे दे, और साथ में अभी केले लिए हैं आशु के लिए, पता नहीं उसने कुछ खाया होगा नहीं खाया होगा इस चक्कर में। प्रभु जी पन्नी फट रही है देखो, वहाँ पे 40 रुपए के 1 किलो केले हैं वहाँ पे, मैं नहीं बता रही, नहीं तो प्रभु जी मैं ही लगा लेंगे। गाइज हम लोग खाना भी खा के आ चुके हैं, पर मैं अभी आई थी थोड़ी देर पहले, मैंने इसको तब नीचे ही बुला लिया था डायरेक्ट, हम लोग खाना खाने के लिए निकल गए, और जस्ट अभी मैं आई तो देखा इसकी रूम में सफाई चल रही है, मुझे वीडियो बनानी है अभी, तो फटाफट से वीडियो शूट करती हूँ, और मुझे वीडियो बनानी थी गेट रेड वेरी विद मी, गेट रेड वेरी मीन मी यार, मतलब वही GRW मना रहे हैं मेरे को। और अभी मैं गोपी ड्रेस भी लेके आई हूँ, गोपी ड्रेस पहनूंगी, पर यार गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है, ऐसा मन कर रहा है कि इन्हीं कपड़ों में रहूँ। फटाफट से रेडी होती हूँ और तब आपसे मिलती हूँ। यार पता है अभी बाहर गई ना, स्किन इतनी ज़्यादा टैन हो चुकी है, फील हो रहा है मेरे मुँह पे ना ऐसी शक्ल पे दिखाई दे रहा है टैनिंग एकदम, तो मैं सोची थोड़ा सा अपना स्किन केयर कर लेती हूँ फटाफट से, बेसिक स्किन केयर करूँगी बट आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। लेट्स डू इट। सबसे पहले यूज करूंगी मैं ये मुल्तानी मिट्टी फेस वॉश, जिसमें बल्गेरियम रोज नाइसिनमाइड एंड विटामिन ई है। पता है जब मैं अपनी टीनेज में थी ना, तब मुझे पिंपल्स ब्रेकआउट की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती थी, और मेरी मम्मा ने जब सबसे पहले मेरा स्किन केयर मास्क इंट्रोड्यूस कराया था ना, पता है वो मुल्तानी मिट्टी प्लस रोज वाटर ही था। और अब यूज करूंगी मैं ये मामा अर्थ का मुल्तानी मिट्टी फेस पैक, ये आपकी स्किन से टैनिंग को जड़ से खत्म कर देता है, और इसके इंग्रेडिएंट से आपकी स्किन का ऑयल कंट्रोल रहता है, प्लस आपको एक्ने या पिंपल्स की भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बस इसको अपनी स्किन पे डायरेक्टली लगाओ और थोड़ी देर सूखने के लिए छोड़ दो, जब सूख जाए उसके बाद फेस वॉश कर लो। एंड गाइस आप देख सकते हो मेरे चेहरे पे कितना प्यारा सा ग्लो है, पहले आप देख सकते थे स्किन कितनी टैन लग रही थी। ये प्रोडक्ट्स आपको इजीली Amazon, Flipkart, Nykaa पे आराम से मिल जाएंगे। एंड गाइस यूज माय कूपन कोड यशस्वी 2023 for 20% discount।
सो गाइस, जैसे आप लोगों ने देख लिया कि मेरा स्किन केयर तो हो चुका है और आशू को मैंने कमरे में से भगा दिया है बिकॉज मुझे गेट रेडी विद मी करना था। उसको पहले ही बोला था जिस भी होटल में रुकेगा मुझे एक दिन के लिए सिर्फ अपना गेट रेडी विद मी करना होगा, तब रूम दे दियो। इसके और भी फ्रेंड्स है यहाँ पे जिनका मतलब बगल बगल वगैरह का कमरा है, लोग अभी पूल वूल में, और इतने में अपना रेडी होने के लिए जा रही हूँ। और इससे अच्छा टाइम कहाँ हो सकता है कि वो अपना इंजॉय करे एक डेढ़ घंटा, मैं इतनी अपनी वीडियो बनाऊँ। ये देखो ये आशू है जो नीचे गोल गोल घूम के ढूंढ रहा है कुछ, पता नहीं इसका दिमाग हो गया क्या इसमें। अब मुझे कंफ्यूजन हो रही है मैं कौन सी साड़ी आज पहनूं, और मेरा मन है यार मतलब वृंदावन में आए आप इतने सारे लोगों को देखते हो, इतने अच्छे से ड्रेसअप होके घूम रहे होते हैं तो आपको भी अच्छा लगता है। एंड मैंने दो तीन साड़ी पहले ही खरीद ली थी, ये वाली साड़ी है बिल्कुल नई की नई साड़ी है। हरे कृष्णा यार, मेरा गेट रेडी विद मी तो हुआ नहीं यार क्योंकि मुझे साड़ी बांधनी आनी रही थी और मैंने बहुत स्ट्रगल किया। और पता है कैमरे पे ना हर किसी को ऐसा लगता है इतनी स्मूथ लोग साड़ी बांध देते, मुझे नहीं समझ आया कैसे बांधनी थी। अब मैंने पता नहीं किस तरह से करके साड़ी बांधी थी। मैं आशा कर रही हूँ पिछले 20 मिनट से वेट क्योंकि वो वीडियो बना रहा है ऊपर, और उसके बाद ये जो पूल वूल में खेल के उसके बाद ये सारे ऊपर चढ़ गए तो मेरे को यार थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो गया था, तो मैं रेडी तो हो गई थी, मैं भाग के नीचे आ गई। कोई बात नहीं, तो वीडियो वगैरह बना ले ऊपर, मैं वेट करती हूँ। अभी देखो यार वो कितनी देर में आता है। और उसके बाद आज मैंने बहुत सारी जगह घूमने, बहुत सारी जगहों के दर्शन करने हैं, देखते हैं कहाँ कहाँ घूम पाएंगे। और मुझे ना मेरे कजन ने लिस्ट बना के दिए कोर ओए ओए होए धोती, ये क्यों छुपाया मुझसे? तो ये बताइए धोती कहाँ से आई? ये मेरा एक दोस्त लेके आया था मेरे लिए। तेरा कौन सा दोस्त ले आया? हमारा तो ऐसा कोई दोस्त नहीं। नहीं नहीं, मैंने पता क्या उसको मैंने बोला कि मुझे ना धोती लेनी है मार्केट जाके, तो कह रहा मेरे पास पड़ी हुई घर से ले आया अपने जाके। इतना एक्साइटेड हो जाता है ना कि दूसरों की कोई कदर ही नहीं करता, कितनी दिखाऊं धोती नहीं लूंगी लग रही है। फोन और इसमें जेब होगी ना? फोन पर्स तो लग ही नहीं जाएगा, जेब ही नहीं है इसमें। जेब होती है धोती में? मुझे नहीं पता, मैंने ये धोती में उसकी मुझे अपनी धोती दे देगी, किसी क्रीम कलर की होती है और मजा नहीं आता इसमें। मतलब ये देख ले क्रीम धोती चाहिए, चाहे इसके ऊपर टी शर्ट पहन रखी है। अरे ये ना बच्चे ना ये बच्चे यहाँ बैट बॉल खेल रहे हैं, और मेरे को पता है तुम लोगों को, बाबू मैं आपके साथ बैट बॉल खेल सकती हूँ एक बारी? क्या कुशा, मैं आपके एक बारी में एक बॉल मार सकती हूँ? यार बच्चों को खामा का डिस्टर्ब कर रही है तू, जा। मैं तो दया बन गई यार, वो बैट फेंक रही बच्चों का। इससे बड़ी बेशर्मी मैंने आज तक जिंदगी में नहीं की, मैं किसी लड़के के पीछे वो भी ऐसे करके मुझे बैठना पड़ रहा है। और ये पता है इतना बुरा है, मेरे को ऐसे करके बैठना नहीं आता, मुझे डर लग रहा है कि मैं गिरना चाहूँ, और ये मुझे दे ही नहीं रहा स्कूटी चलाने के लिए। बट ये भी एक अलग एक्सपीरियंस है इस तरह से बैठना। एक चीज़ की बहुत दिक्कत है, बंदर बहुत ज़्यादा है, हमें किस किस चीज़ का ध्यान रखूँ, अपने फ़ोन का, चश्मे का या इसका? प्लीज़ अभी हम लोग जा रहे हैं इमली तला, अब वगैरह वहाँ पर ही सारी चीज़ें, लोही बाज़ार वगैरह सब कुछ ही वहाँ पे है। तो इमली तला अगर जाएंगे उसके पास बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं जहाँ पे घूम सकते हैं, और हमें ज़्यादा वो मिल जाएगा, नहीं तो 1 बजे 12:30 या 1 बजे दर्शन बंद हो जाता है हर जगह का, तो उस टाइम पे हम स्कॉन आ सकते हैं मे बी या देख सकते हैं। पर अभी हम लोग इमली तला जा रहे हैं। भाई साहब चलते रोड पे टांगे पे बैठ चुकी है, और भैया इसको ले, यीशु बस यहीं रुक जा, आ जा। कैसा लगा एक्सपीरियंस टांगे का? पुलिस यहाँ पे है यमुना, और सब बोटिंग वगैरह भी कर रहे हैं। इन्होंने तो मेरे को यही चश्मा उतरवा दिया, मेरे को तो दिखता भी नहीं है इसके बिना कुछ भी। चलो कोई नहीं, अब करना तो पड़ेगा, नहीं तो सच में अंधी हो जाऊंगी यहाँ पे। तो ही बाजार की स्टार्टिंग है बिल्कुल। सबसे पहले हम आए हैं दिस इज रास मंडल, और यहाँ पे आपको चल के अंदर दर्शन कराते हैं। चलो चप्पल इधर ही उतारनी पड़ेगी। रास मंडल में तो श्री जी के दर्शन हो गए, और अभी हम लोग जा रहे हैं राधा, नहीं यहाँ लिख दूंगी मैं भूल, नहीं दामोदर करके है यार, थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स होते हैं जो कि याद भी नहीं रहते, तो इसलिए थोड़ा सा टेंशन हो जाता है। बट कोई भी ऐसा इंटेंशन नहीं है कि मैं किसी भी नाम को गलत प्रोनाउंस करूं, अगर हो जाए तो प्लीज़ माफ़ करना। और बंदर मेरा चश्मा लेके दे आशु, उसको जल्दी दे 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 आशु प्लीज़, और ये ऐसे लेके जाते हैं आशु ले ले।
और नहीं मत तोड़ यार, फेंक दिया उठा। गाइड छोड़ पुलिस, मैं पता है ऐसे क्यों घूम रही हूँ बिना चश्मे के, क्योंकि मेरे किसी ने चश्मा चुरा लिया था। चुराने की कोशिश की रही, झूठ में बोल। और पता है इसको दो तीन बंदरों ने, वो बंदर को इसने वो दिए बहुत सारे केले, और दो केले हम सेफ्टी के लिए लेके चल रहे थे इमरजेंसी के लिए, लेकिन वहाँ पे लोगों ने तुरंत बताया हमें कि फ्रूटी से मानेंगे, केले से नहीं मानेंगे। जैसे बंदर ने इसका केला, जैसे बंदर ने इसका चश्मा छीना, केला क्या छीना केला। यार डर लग रहा है पुलिस, अभी तो चश्मा के बिना जा रहे हैं। और हम लोगों ने दर्शन कर लिए राधा कुंड के, और एक और जगह के किए हैं जहाँ पे चैतन्य महाप्रभु थे, उनके भी कर लिए हैं दर्शन, और प्रभुपाद जी के भी किए अभी अंदर। और वहाँ पे फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, और ऐसे मैं छुप के करना भी नहीं चाहती जहाँ पे अलाउड नहीं है, तो इसलिए मैंने कोई भी फुटेज नहीं ली वहाँ की। माए मोटे गणेश जी के मंदिर में, ये है मोटे गणेश जी, रिद्धि सिद्धि है साइड में उनकी वाइफ। अच्छा, उनकी वाइफ रिद्धि सिद्धि। अच्छा, अभी हम लोग आएंगे गंगा प्रसाद की दुकान पे, क्योंकि मुझे वही गोपी स्कर्ट लेनी है, तो एक बार देखते हैं यहाँ मिलती है नहीं मिलती। मम्मी ने 2200 रुपये बचाने के चक्कर में स्कर्ट पहन के दिखा दी वीडियो कॉल पे, पीछे हो ना। हाँ सर, यहाँ लग रहा है बहुत अच्छी लगी है, हंस रही है, घूमेगी भी अभी, देखिए देख इतनी अच्छी लगी घूम के। वो घूंघट भी ले लिया आंटी ने, क्या हो गया। कह रही हूँ घूम के भी दिखाने लग गई वहाँ पे, घूंघट लेके आंटी पूरा दिखा रही है। तो इसको आज घर जाके 2200 रुपये का चाटा पड़ेगा। मम्मा देख नहीं पहन के दिखाने लग गई। गाइस इसकी भयंकर वाली तबीयत खराब हो गई है, और ये पेरियल लस्सी, अब सच बताऊँ तो ऐसा इसने मुझे बोला था बोलने के लिए, हालांकि इतना कुछ है नहीं हो रही है, बस मैंने बोला व्लॉग में बोल दे। और ये आ गया मेरा पापा, ये हमारी लस्सी पी रही है, मेरी लस्सी है। गुलीज़ आप लोग जब आते हो ना वृंदावन, तो आप सोचते होंगे कहाँ खाना का, वैसे तो कहीं भी खा सकते हो क्योंकि बिना अनियन गार्लिक का होता है, बट खाने के लिए सबसे बेस्ट गोविंदास है। ये देख लो 250 रुपीज़ की थाली है, और इसमें कितना कुछ है। एक साथ आए जा रहे सब कुछ, बहुत ज्यादा टेस्टी है भाई, बहुत ज्यादा। कितने वो मिल रही है, हम व्लॉग नहीं करेंगे, सीधा खाएंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 राम, हरे हरे।